अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खैरुन्निसा। आइए देखते हैं 18 जनवरी की स्पीड न्यूज़। मस्जिद अक्सा पर कब्जे की इसराइली कोशिश और इसकी हट धर्मी फिर आई दुनिया के सामने। अब जॉर्डन की सफीर को क़िबले अव्वल में दाखिल होने से रोका, अर्दन का शदीद एहतजाज। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मज़ार पर शरपसंद यहूदियों का धावा, तारीखी विरसे में धनधनाते हुए दाखिल की शरअंगेज़ हरकत। मशहूर कोरियन ब्लॉगर दाऊद किम दायरे इस्लाम में दाखिल, एक बार फिर अदा किया उमरा। इंस्टा पर तस्वीर की शेयर, कैप्शन में रूहानियत से भरपूर जज्बात का किया इजहार, लिखा मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे किया मुंतखब। रूस यूक्रेन जंग भयानक मरहले में दाखिल, रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे भयानक हमला, बच्चों समेत 44 अफराद हलाक, सैकड़ों घर तबाह। यूक्रेन में तेज होती जंग के दरमियान रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने यूक्रेनी महाजों पर मौजूद रूसी फौजियों से की मुलाकात, जंगी सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। मकबूजा तल अबेद के करीब रंग बनाने की एक फैक्ट्री में लगी भयानक आग, पहुंचा वसी नुकसान, जहरीले मादे और खतरनाक गैस फैलने से पूरे इलाके में मचा तहलका। दुनिया पड़ गई हैरत में, चीन ने अपनी आबादी में कमी का किया ऐलान, पिछले 60 सालों के दरमियान पहली मर्तबा चीन की आबादी में आई कमी। अफगानिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी, चंद हफ्ते जारी शदीद बर्फबारी की वजह कम से कम 20 अफराद जान बहा, 4000 से ज्यादा मवेशी भी हलाक। पाकिस्तान में माशी हालात इब्तर, लोग आटा खरीदने खतरे में डाल रहे हैं अपनी जान, आटे से भरे ट्रक को लूटने पहुंची आवाम, पुलिस का लाठीचार्ज। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खुलवाने के मामले में घेरे बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या, कांग्रेस ने भी बीजेपी को बताया बदमाश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने असेंबली में किया खिताब, कहा जब चुनी हुई सरकार को कोई पावर ही नहीं तो आज़ादी की लड़ाई ही क्यों लड़ी गई थी। इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर दबाव बना रहे हैं बीजेपी और आरएसएस, राहुल गांधी का दावा, कहा हिंदू धर्म अमन चाहने वाला और जोड़ने वाला मजहब है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा 21 अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से ज्यादा दौलत, 1% अमीर आबादी के पास भारतीयों की 40% दौलत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो पैगाम, लोगों से की अपील, आरएसएस की फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा में हो शामिल। साउथ फिल्मों की मशहूर हीरोइन अमला पाल को केरला के एक मंदिर में नहीं दी गई एंट्री, एक्ट्रेस ने लगाया इल्जाम मजहबी भेदभाव की वजह केरला की मंदिरों में जाने से रोक दिया गया। पाखंडी बाबाओं की फेरिस्त में जुड़ा एक और नाम, मुतनाजा धर्म गुरु कृष्णा शास्त्री पर लगा अंधविश्वास फैलाने का इल्जाम, नागपुर में जादू टोना मुखालिफ कमेटी ने दर्ज करवाया केस। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज में वाक़ शेरशाह सूरी के दौर हुकूमत में तामीर शाही मस्जिद को कर दिया गया शहीद, सड़क की तोसी में मस्जिद को बताया रुकावट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गाजियाबाद की अदालत ने जर्नलिस्ट राणा अयूब को जारी किया समन, 30 जनवरी को पेश होने का दिया हुक्म, राणा अयूब सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दुनिया के टॉप 30 सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों में दो भारतीय नौजवान लीडर शामिल, एक मिनिस्टर केटीआर, दूसरे एमपी राघव चड्डा। 8वें निजाम मुकरम जा बहादुर की नमाज जनाजा मक्का मस्जिद में की गई अदा, खतीब मौलाना रिजवान पाशा खादरी ने पढ़ाई नमाज, हजारों अफराद की शिरकत। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय के फर्जन बंडी साई भगीरथा के गुंडागर्दी, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टूडेंट पर किया हमला, वीडियो वायरल, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। मारपीट के इल्जाम में अपने बेटे पर हुए पुलिस केस पर बंडी संजय का रद्देमल, इल्जाम लगाया कि केसीआर के हुक्म पर सियासी स्कोर तय करने मेरे बेटे पर किया गया केस। एलपीजी सिलेंडर कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने किया वाजे, घरों तक सिलेंडर की डिलीवरी के लिए इजाफी चार्जेस अदा करने की जरूरत नहीं, ये पहले से ही रिटेल प्राइस में है शामिल। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में तामीर किया जा रहा स्काई वॉक का काम तेजी से जारी, मई 2023 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का मंसूबा।
हैदराबाद में सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। 24 कैरेट सोना 58,450 रुपये फी 10 ग्राम, जबकि पीयूष चांदी 712 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की 25 अहम खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।